पौड़ी के कलेक्ट्रेट परिसर में शहीद दिवस बड़ी ही शालीनता से मनाया गया। इस दौरान विधायक राजकुमार पौड़ी ने शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। दरअसल 16 दिसंबर वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर जीत को लेकर हर साल 16 दिसंबर को पौड़ी में शहीदों की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में जनपद से शहीद हुए 38 सैनिकों को DM, विधायक और अन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। साथ ही शहीदों के परिजनों और युद्ध में जय प्राप्त कर लौट सैनिकों के परिजनों को शॉल भेंट की गई। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। हम लोगों ने, हमारी भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध पर विजय प्राप्त की थी 16 दिसंबर को। इस अवसर पर इस दिन को हम जो है विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और यहाँ पर ये कार्यक्रम अभी उन शहीदों को श्रद्धांजलि जारी है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं और हमारे देश की रक्षा की। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा और सभी विभाग, पुलिस कर्मी और अन्य विभागों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी से यही अनुरोध करूंगा कि वीर सेनानियों का गौरव बनाए रखें, उनके प्रति अपने सच्ची निश्चल श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि हम जहाँ भी हमें सेना में या जो पूर्व सैनिक हैं जो अपना सारा जीवन सेना को दे चुके हैं उनके प्रति एक सम्मान का भाव रखें, अपने आसपास का जो वातावरण है उसको सौहार्दपूर्ण बनाएं और अपने देश को सर्वोच्च स्थान अपने जीवन में। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर शौर्य दिवस मनाया जा रहा है और हम इस उत्तराखंड की देवभूमि से आते हैं कि जिसे सैनिक बाहुबली के नाम से जाना जाता है और जहाँ ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है जैसे जसवंत सिंह, स्वर्गीय जसवंत सिंह जी, स्वर्गीय बिपिन रावत जी, मैं उन वीर शहीदों को नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ मोदी सरकार को कि जिन्होंने इन वीरों के लिए ये हमारे वीर सैनिकों के लिए